हमारे एक दलित भाई का डेथ हुआ है, जो कि 20 से 25 दिन पहले उनके ऊपर अटैक हुआ था। जो हिंदूवादी लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया है, वो रीज़न ये है कि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी के संदल में जाकर वापस आ रहे थे, तो उन्होंने उनको पकड़कर 6 से 7 लोगों ने उनको मारा है। जब FIR होती है, 7 से 8 लोगों का नाम आता है, तब सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को अरेस्ट करते हैं। बहुत ही शर्म की बात है, 3 लोगों को अरेस्ट करते हैं, जिसमें 7 लोग हैं। 7 लोगों के ऊपर ऑलरेडी रोडी शीट ओपन हो गई है। This video is presented by Mohammedi Furniture, where luxury meets affordability. Explore a range of sofas, beds, tables, chairs, and more at Mohammedi Furniture to elevate your home with comfort and style, making your dream home a reality. दलित विरोधी कांग्रेस सरकार के निकाला निकाला बेके बेको मैं यहाँ बेको बेके बेको मैं यहाँ बेको। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय टीपू सुल्तान। आज हम लोग जो DC ऑफिस पर हमारे एक दलित भाई का डेथ हुआ है, जो कि 20 से 25 दिन पहले उनके ऊपर अटैक हुआ था। जो हिंदूवादी लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया है, वो रीज़न क्या है, वो सोचने की बहुत बड़ी सख्त ज़रूरत है। वो रीज़न ये है कि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी के संदल में जाकर वापस आ रहे थे, तो उन्होंने उनको पकड़कर 6 से 7 लोगों ने उनको मारा है। मारकर सर पर बहुत ज़्यादा इंजरी हुई थी, जो कि उनको एडमिट कर दिया गया था गुलबर्गा हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तब से आज तक उनकी कोई इंक्वायरी नहीं करे, उनके हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल को कोई पूछने वाला नहीं था, और उनके ऊपर FIR भी नहीं हुई। जब FIR होती है, 7 से 8 लोगों का नाम आता है, तब सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को अरेस्ट करते हैं। बहुत ही शर्म की बात है, 3 लोगों को अरेस्ट करते हैं, जिसमें 7 लोग हैं। 7 लोगों के ऊपर ऑलरेडी रोडी शीट ओपन हो गई है। रोडी शीट ओपन होने के बावजूद भी उनको अरेस्ट नहीं किया गया, तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। ये जो चल रहा है, मुस्लिम और दलित के ऊपर अत्याचार चल रहा है, इसको हम बहुत खंडन करते हैं, और कांग्रेस सरकार को शर्माना चाहिए। जो मुस्लिम और दलित के नाम पर वोट लेकर उनके साथ नाइंसाफी करते हैं, उनको इंसाफ दिलाने का काम नहीं करते। जब ये 20 से 25 दिन हो गया, वो लोगों को अरेस्ट नहीं करे, कल उनकी डेथ होती है, डेथ होने के बाद भी इनके कान में जू नहीं रेंगती, पकड़ते नहीं, उनके ऊपर FIR नहीं, उनके ऊपर 307 ऑलरेडी लगा हुआ है, उसके बाद भी इनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होता, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। और ये लोग जो कर रहे हैं, हम इसका पुरजोर खंडन करते हैं, और आज जो डेथ हुई है, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट में और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने हमें आश्वासन दिया है, कल तक उनके अकाउंट को पैसा जाएगा, और उनको उनके परिवार को गवर्नमेंट नौकरी हम प्रोवाइड करेंगे। ये वादा करने के बाद हम लोग यहाँ से DC ऑफिस से डेड बॉडी लेकर जा रहे हैं, उनके आश्वासन पर। अगर ये लोग उसको फुलफिल नहीं करेंगे, तो हम इसका बहुत पुरजोर खंडन कर और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। और इनको चाहिए, कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स हैं, जो MLA हैं, जो MP है, उनको शर्म आनी चाहिए। एक दलित का जब मर्डर होता है, तो उनके घर तक जाकर उनको पूछने की उनको आता नहीं है, क्योंकि जब ये लोग वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़कर पैर पड़ते हैं, वोट दो बोलकर, मुस्लिम और दलित के वोट लेकर जब जीत कर आते हैं, तब उनके घर तक आकर वोट लेते हैं। जब उनके ऊपर नाइंसाफी होती है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, तो कौन सी बिल में छुप कर बैठे हो तुम लोग? वोट लेने के लिए मुस्लिम दलित याद आते हैं तुमको? उनके ऊपर जब अत्याचार होता है, तब तुमको कुछ याद नहीं आता? मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब से और हमारे CM सिद्धरामैया जी से ये कहना चाहता हूँ, ये लोग दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, मुस्लिम और दलित के ऊपर, इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए। आप लोग जीत कर आए हैं, हम समझते थे BJP सरकार मुस्लिम और दलित के खिलाफ है, लेकिन यहाँ पर यह पता चल रहा है कि कांग्रेस सरकार भी जो मुस्लिम और दलित के वोट लेकर उन्हीं के खिलाफ काम कर रही है। कल तक अगर इनको उनका अमाउंट जमा नहीं होगा और उनको नौकरी की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो हम इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। आज हम यहाँ DC ऑफिस से इनके आश्वासन पर डेड बॉडी लेकर जा रहे हैं, लेकिन हम नेक्स्ट बार रुकेंगे नहीं। और रिसेंटली एक जवरगी में इंसिडेंट होता है, एक दलित भाई का हाथ तोड़ देते हैं, 3 दिन हो गया उसके ऊपर FIR नहीं हुई, आज तक उनको पकड़े नहीं, 3 दिन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, आज तक अभी तक FIR नहीं हुई। और लास्ट टाइम परसों के दिन भी एक जो दलित लोग पानी पीते हैं, वहां पर जाकर कोई पॉइजन डाला है, वो पानी पीकर दलित लोगों को वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये दलित और मुस्लिम के ऊपर क्या करना चाह रहे हैं आप लोग, हमें समझ नहीं आ रहा। आगे आने वाले टाइम में हम आपको ताकत से बताएंगे और एकता ही बताकर हम आपको आपके अंजाम तक पहुंचाएंगे।
This video is presented by Mohammedi Furniture, where luxury meets affordability. Explore a range of sofas, beds, tables, chairs, and more at Mohammedi Furniture to elevate your home with comfort and style, making your dream home a reality.